स्वागत है। आप जानते हैं कि मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था और 27 अगस्त से शुरू हुआ, 10 अगस्त तक चला। एक दिन कार्रवाई बढ़ाई गई और लगभग जो है इसमें 11 सिटिंग्स जो है मॉनसून सत्र में हुई, और जिसमें लगभग जो है 53 घंटे जो है काम हुआ, और जो प्रोडक्टिविटी है वो 96% रही। आप जानते हैं कि प्रश्नों के माध्यम से स्टार्ट क्वेश्चंस, अनस्टार्ट क्वेश्चंस, विभिन्न नियमों के माध्यम से, जिसमें 62, 61, 101, 102 और 130 के तहत सभी महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर जो है इस मानसून सत्र में चर्चा करवाई गई। और मुझे प्रसन्नता है, खुशी है कि सभी सामान्य सदस्यों ने, माननीय मुख्यमंत्री जो नेता सदन होते हैं, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों ने, और हमारी जो प्रतिपक्ष के नेता और जो माननीय सदस्य हैं, उन सब का सहयोग जो है इस सदन के संचालन में मुझे मिला। और हिमाचल प्रदेश के जनहित के जो मुद्दे थे उस पर एक एक के ऊपर दोनों पक्षों का वक्तव्य, दोनों पक्षों का दृष्टिकोण आया है। और आप मीडिया के साथी, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे तो अंदर ही होते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के कुछ साथी अंदर नहीं होते हैं बाहर, आप सब ने हिमाचल प्रदेश की मॉनसून सत्र की, विधानसभा की इस कार्रवाई को हिमाचल प्रदेश के जन जन तक पहुंचाया और हिमाचल प्रदेश के जन जन को उसका जो है इस सत्र का लाभ मिला। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यद्यपि मेरे व्यक्तिगत तौर पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के ये प्रयास रहे, क्योंकि ये विषय गंभीर था और जिसको प्रतिपक्ष के नेता और उनके सदस्य भी उठाना चाहते थे, लेकिन जैसे वो उठाना चाह रहे थे उस दिन वो परिस्थितियाँ आपके समक्ष हैं। दो विषय समांतर जो है ना, उसमें प्रायोरिटी थी किस विषय को उठाना चाह रहे, किसको नहीं उठाना चाह रहे, फिर भी इस विषय के ऊपर चर्चा करवाई गई और एक दिन के लिए सदन को बढ़ाया गया और आराम से सारी चर्चा हो रही थी। और मैं जो है इस चीज़ को भांप भी रहा था कि कहीं कोई ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो जिससे प्रतिपक्ष को मौका मिले बाहर जाने का। हमने मौका नहीं दिया, यद्यपि फिर भी बाहर चले गए तो अब उनका अधिकार क्षेत्र है, वो जा सकते हैं, तो मैं इस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वस्तु स्थिति को पूरी तरह से प्रदेश की जनता के आगे इस माननीय सदन के द्वारा रखा है और प्रदेश की जनता को जो है इसकी पूरी जानकारी हासिल होगी। ऐसा पहले कभी